इस वक्त हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्रपुरी जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। लेकिन दुखद तस्वीरें इस वक्त हम प्रयागराज से देख रहे हैं, संतों की बैठक में मारपीट तक बात पहुंच गई। मारपीट नहीं हुई है, थोड़ा एक संत जी जरा आते से बात आ गए, कम की हुई थी, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मारपीट वाली बात नहीं आई। एक संत जी हमारे आपे से बाहर आ गए, उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उचित नहीं था, वो दूसरे संत भड़क गए, इसी पे हल्का फुल्का सो विवाद हुआ। लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये कुंभ का मेला है, देखिए ये कुंभ का मेला है, इसमें तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन काफी हंगामा दिख रहा है, जो वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो वीडियो दिख रहा है, वहाँ काफी हंगामा, दो गुट सीधे तौर पर आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। वो बात में अंकेट किया जाता है, जबरदस्ती लोग हो गया, उसको अच्छा क्रिएट किया गया, ऐसी बात ठीक है। आप कह रहे हैं कि उस तरीके का तनाव नहीं है, लेकिन क्या आप भी उस बैठक में मौजूद थे? ये बात आखिर इतनी बढ़ कैसे गई? हाँ जी, हाँ जी, किस बात का तनाव वहाँ पे? मैं बैठक में था जी। हुआ क्या, मैं वही जानना चाह रही हूँ रविंद्रपुरी जी, कि विवाद आखिर किस बात पर है? वो हमारे जूना काले के सभापति जी जो है वहाँ बैठक में, ये पकड़ आला का पाठ कर रहे थे, ये हुआ था कि भाई यदि समय है तो समय में यहाँ बैठक से भजन करो, तो अपना भय प्रकट में पाला का पा कर रहे थे, दूसरे आए उन्होंने उनसे बदतमीजी की, रखा आपने रखा ऐसे ऐसे उसने कहा, तो ये। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये कि यहाँ पर मेला प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी एक गुट संतों का जो है वो आरोप लगा रहा है, और अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं वो अपनी कई मांगों को लेकर, तो नाराजगी बनी हुई है। हाँ नहीं, वो वाले जो परिषद में हमारे जो हार चुके हैं, अब तो उसको इशू बनाना रहे हैं। हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े में मेरे साथ 9 अखाड़े हैं, ये 4 अखाड़े जब ये इसको इशू बना रहे हैं ताकि कोई इसका कुछ फायदा हो, इसलिए ये इशू बना रहे हैं। तो क्या ये विवाद सिर्फ अखाड़ों को लेकर ही था या बात कुछ और भी है? नहीं, ये अखाड़े पे ही था, उन्होंने अखाड़े पे भी नहीं था, उन्होंने ये वो अपना भय प्रकट पिपा का पाठ कर रहे थे, वो आए है क्या मचा रखा, क्या गंद बोल रहा है, ऐसे बात हो गई, इसी बात पे बात हो गया। क्योंकि एक संत जब थाली क्यों क्या करेंगे बैठ के, भाई कुछ तो भजन ही करो, ये बात हुई थी, मैंने भी कहा भाई कुछ पाठ करो, जब तक हमारी मीटिंग होगी बैठक होगी तो शांति बढ़ते हैं, उस बात पे बात हुआ। रविंद्र जी, एक और चीज आपसे समझना चाहती हूँ, ये अखाड़े में पद को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ या फिर महाकुंभ में जो जमीन आवंटन का मामला है उसकी लड़ाई हुई है जो यहाँ तक पहुँची? नहीं, पद का कोई विवाद नहीं है, ये जमीन लड़ाई है, ये जबरदस्ती के का लड़ाई हुई है, जिसका कोई ना पेड़ है ना सर है। हाँ। ये लड़ाई किसी इशू पे ही नहीं हुई है, ना जमीन पे हुई है ना किसी पे हुई है, खाली मैंने आपको कहा हमारे संत जो एक सभापति जूना अखाड़े के है एक जो राजेंद्र दास नाम के शांत आ गए, उन्होंने उनसे लगा रखा मुंह बंद करो, इस बात की बात हो गया। पर वहाँ पर खबरें ये भी आ रही है रविंद्र जी, मैं तो बता रहा हूँ कि कुछ संत बैठ गए हैं वहीं पर और वो ये भी कह रहे हैं कि हम पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे, तो क्या मामला पुलिस तक भी पहुँच गया? बिल्कुल, हम भी शिकायत करेंगे दर्ज, वो तो वहाँ कैमरे लगे हुए है, हमने बता जाएगा कैमरे में तो क्या लगे। ठीक है, तो क्या मामला दर्ज कराया गया आप लोगों की तरफ से पुलिस में? नहीं, हमने नहीं किया, जब वो करेंगे तो हम भी करेंगे, बहुत सारे होगा, तो बहुत सारे शुरुआत उन्होंने की है ना, वहाँ जगह है, शुरुआत उन्होंने की है, हमने शुरुआत नहीं की है। हाँ, तो आप जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं रविंद्र जी, तो ये माना जाए कि ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ वो जूना अखाड़ा के संतों की तरफ से शुरू किया गया? नहीं, जूना अखाड़े से नहीं शुरू हुआ, ये जो विवाद खड़ा हो गया ये वो जो राजेंद्र दास नाम जो संत है उसने खड़ा किया। ठीक है, राजेंद्र दास ये तो अब इस विवाद का ये जो पूरा अभी दिखाई दे रही है तस्वीर वहां से, आप कह रहे हैं कि बात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? आप कह रहे हैं कि बहुत हाथापाई नहीं हुई, लेकिन हम तो वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा क्या कहा गया उनकी तरफ से कि थप्पड़ों की बरसात कर दी गई एक दूसरे पर? नहीं, बरसात नहीं हुई, अगर बरसात होती तो इतनी बजते बरसात नहीं हुई है, हल्का फुल्का हो जाता, धक्का मुक्की हो जाती है, फिर मेला है, कुंभ का मेला है, ये सब बातें चलती रहती है, इसीलिए तो चिंता बढ़ती है ना रविंद्र जी की, कुंभ के मेले की शुरुआत होने वाली है, जमीन आवंटन को लेकर अखाड़ा परिषद की ये बैठक, और वहाँ पर संत महात्मा इस तरह से आपस में भिड़ जाते हैं, तो प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ।
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो उस महात्मा की गलती है, महात्मा जी ने वहाँ से गलत बात की सुनी। चलो कहा क्या गया था ये तो बताइए रविंद्र जी। रविंद्र जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, मैं कह रही हूँ आवाज आ रही जी। आप कह रहे हैं कि मामला ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन बात अगर पुलिस तक पहुंच रही है, शिकायत अगर थाने में नहीं, करने नहीं, की बात तो कही जा रही है। शिकायत तो हम कराएंगे ना, एफ आई आर दोनों साइड से होगा, वन साइड से नहीं होगा। हाँ जी, तो शुरुआत तुमने की है जी। वो जो एक गुट बैठा हुआ है उनकी नाराजगी क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ जो अधिकारियों के साथ वो लोग नहीं गए कुंभ मेला क्षेत्र में जमीन आवंटन के लिए जमीन देखने। हम तो मेला क्षेत्र में जमीन देख रहे हैं। ठीक है, आप मेला क्षेत्र में है, लेकिन जो दूसरा गुट है वो मेला प्राधिकरण के दफ्तर में बैठा हुआ है, उनकी अपनी नाराजगी है। अच्छा, एक और मेरा सवाल, जो निर्मोही अखाड़े वाले नरेंद्र दास हैं, क्या वो भी इस मामले में है? माफ कीजिएगा, राजेंद्र दास, रविंद्र जी, रविंद्र पुरी जी, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है रविंद्र पुरी जी तक आवाज नहीं आ रही, लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ छोटी मोटी बात पर ये विवाद पूरा खड़ा हुआ, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं संतों के बीच, ये पूरा तनाव बढ़ता हुआ, ये विवाद बढ़ता हुआ इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक आ गई है, मारपीट तक की नौबत आ गई। तस्वीरें सामने हैं प्रयागराज में, संतों की ये बैठक, अखाड़ा परिषद की बैठक, जमीन आवंटन को लेकर जो शुरू हुई उस पर ये विवाद बढ़ता चला गया, दो गुट आपस में भिड़ गए, एक गुट जो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है उनकी अपनी मांगे हैं, शिकायत दर्ज तक कराने की बात कही जा रही है, दो गुटों में मारपीट हो गई अखाड़ा परिषद की बैठक में, कुछ आरोप भी इसमें लगाए जा रहे हैं और मेला प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मामला किस तरीके से बढ़ गया ये तस्वीरें आप देखिए। प्रयागराज में संतों के बीच मारपीट तक की नौबत पहुंच गई। ABP News आपको रखे आगे।